नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। वेलकम ऑन माय चैनल RSIS स्टडी 1424। फ्रेंड्स, ये सेकेंड पार्ट है। मार्च के फर्स्ट करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक और चीज़, अभी को पूरा वर्ष जो है कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। अगर कोरोना वायरस को हराना है तो फिर हमें यूनाइट होना होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लॉकडाउन का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, उसको फॉलो करना होगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टडी करें, और हम करंट अफेयर्स लाते हैं स्पेशली दोस्तों PIB हिंदू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ से। 7 मार्च सेलिब्रेटेड एज जन औषधि दिवस दोस्तों। 7 मार्च दोस्तों जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, एक फेस्टिवल होता है जिसको चेपचेपकुट बोलते हैं, जिसको चेपचेपकुट बोलते हैं दोस्तों। ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। नमस्ते उषा फेस्टिवल दोस्तों। ये गूगल क्लाउड है, गूगल है, ये क्लाउड अनाउंस किया है दिल्ली में। ये सेकंड रीजन होगा इंडिया में, और ये 2021 में ओपन होगा। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम ज़्यादा टिक करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी है ऑर्गेनाइज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन फॉर वुमेन विद अ सीम अप। देखिए, इंडियन आर्मी जो है वुमेन के सेफ्टी के लिए जो है एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए है। इसका जो थीम है, स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नलबरी डिस्ट्रिक्ट असम में सेलिब्रेट किया है। नलबरी डिस्ट्रिक्ट असम में जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया डिफेंस ट्रेनिंग वुमेन के लिए। करीना कपूर वुमेन एम्बेसडर बनी है प्यूमा की। इंटरनेशनल वुमेन डे 2020, देखिए इंटरनेशनल वुमेन डे ऑलवेज 8 मार्च को मनाते हैं। देखिए, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम, देखिए खेलो इंडिया जो है थर्ड एडिशन इसमें मनाया जा रहा है, और जो विंटर का जो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया है ये गुलमर्ग कश्मीर में इसमें सेलिब्रेट किया, तो इस इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी फर्स्ट आता है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, या फर्स्ट एवर इस टाइप के जब भी आता है तो वो चांस होता है एग्जाम्स में आने का। तो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम, याद रखिएगा दोस्तों, विंटर गेम जो है गुलमर्ग कश्मीर में है। फोर्थ इंटरनेशनल डायबिटीज समिट, फोर्थ इंटरनेशनल डायबिटीज समिट 2020, ये दोस्तों पुणे में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अभियान का जो ये सेकेंड एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी मनाया जा चुका है, सेकेंड एनिवर्सरी। देखिए, IIM बेंगलुरु जो है लॉन्च किया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। ये पूछ सकता है कौन सा जो IIM वर्ल्ड का, इंडिया का महात्मा गांधी फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर लॉन्च किया है। देखिए, यानागुंडी माथा मणिकेश्वरी जो है पास सभी 8 मार्च को, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्म 2019 नारी शक्ति अवार्ड, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नारी शक्ति अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेंटर टू मेक सैनिटरी पैड डिस्पोजल मैंडेटरी, मतलब ये मैंडेटरी कर देगा सैनिटरी पैड 2021 जनवरी से सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF दोस्तों, जैसे BISF होता है, वैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF होता है, जो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो इसका 51 जो है रेजिंग डे है, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 10 मार्च को CISF का फाउंडेशन डे है। देखिए, अंबानी जो है एशिया के सबसे, ये जैकमा को ओवरटेक किए हैं, जो जैकमा चाइना के थे। एंड नागेश्वर गेट एडिशनल चार्ज, देखिए चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है SBI के, इसमें चलासानी वेंकट नागेश्वर है। ये स्पेशली दोस्तों जो भी SBI के एग्जाम्स हो तो उसमें इस टाइप का पूछता है। देखिए, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूनम यादव इज वनली इंडियन प्लेयर टू फीचर द वुमेन T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ टूर्नामेंट। ICC का जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का T20 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे पूनम यादव, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड, देखिए कोवा पंजाब ऐप मोबाइल लैब ऐप लॉन्च, प्रिकॉशनरी ऐप है ये, इम्पोर्टेंट। लेफ्टिनेंट, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन, ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर KGS ढिल्लन ये अपॉइंट किए गए डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DG इंडिया एंड डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंटेलिजेंस। ये देखिए, इटली रिकॉर्ड सेकेंड डे, तो अभी तो जो 90,000 हो गया इटली का, ये कोरोना वायरस से तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। चंद्रयान सेकेंड जो है ये 2021 के हाफ फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का उम्मीद है। 11 मार्च का करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। PV सिंधु वाज अवार्डेड 2019 BBC, देखिए BBC इंडियन स्पोर्ट पर्सन, देखिए स्पोर्ट्स वूमन नॉट पर्सन, स्पोर्ट वूमन ऑफ ईयर। तो याद रखिएगा,
बीवीसी देखिए, पीवी सिंधु जो है 2019 का जो बीवीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन का अवार्ड है, ये भी पीवी सिंधु को दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अमित पंगलाल लोलनिया जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे एशिया बॉक्सिंग ओलंपिक में, ये क्वालिफाइड था। तहिरा कश्यप देखिए लॉन्च की है अपनी बुक, उसमें था द फर्स्ट 12, देखिए द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग वुमेन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है, ताहिरा कश्यप का है, ताहिरा कश्यप की बुक है द 12th कमांडेंट ऑफ बीइंग अ वुमेन। देखिए यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस में हमेशा एक दो क्वेश्चन आता है यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो बुक से ये करंट का ऑलरेडी इसमें जो मंथली होता है उसमें कवर हो जाएगा। हम बाद में फिर प्लेलिस्ट लाएंगे एग्जाम के टाइम में बुक्स के, इंटरनेशनल इवेंट समिट इन सब के अलग अलग। फ्रेंड्स नेक्स्ट, इंडिया यूज एंटी एचआईवी ड्रग्स टू ट्रीट कोविड-19 फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि इसमें कोविड-19 का बहुत फटाल, बहुत ही ज़्यादा बुरा इस कंडीशन है, हॉरिबल कंडीशन वर्ल्ड में, इसमें इकोनॉमी और टोटल हेल्थ बुरी तरीके से शट डाउन हो चुका है। तो इंडिया यूज एंटी एचआईवी, जो एचआईवी का ड्रग होता है उस वो कोविड-19 में फर्स्ट टाइम यूज करके ट्राई किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। रांची यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, लॉन्च किया रेडियो खंजी 19.4 FM, आप सबका रेडियो, आप सबका रेडियो नाम है दोस्तों ये रेडियो खंजी, रेडियो खंजी 19.4 FM, ये रांची यूनिवर्सिटी ने किया है। कोविड-19 थेरेपिट्स एक्सेलरेशन इज अ न्यू फंड, ठीक है। बिल मेलिंडा फाउंडेशन ने क्या किया दोस्तों, 125 मिलियन का जो फंड जो है एलोकेट किया है फाइट करने के लिए, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 12th मार्च, देखिए दोस्तों वर्ल्ड किडनी डे हमेशा 12th मार्च को सेलिब्रेट करते मनाया जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कोविड-19 को जो पैंडेमिक से माना था 12 मार्च को, या देखिए दोस्तों 12 मार्च को पैंडेमिक माना था, पैंडेमिक मतलब महामारी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेलर स्विफ्ट नेम गूगल्स मोस्ट सर्च वुमेन इन म्यूजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जो गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली वुमेन म्यूजिक में है वो टेलर स्विफ्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह, सुखल चेकिया मिसल से थे ये, महाराजा रणजीत सिंह जो सिख एम्पायर के फाउंडर थे, इनका नाम जो ग्रेटेस्ट वर्ल्ड लीडर इन बीसीसीआई, जो बीसीसीआई पोल हुआ था उसमें से लीडर, मोस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट लीडर, उनमें महाराजा रणजीत सिंह का नाम था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ले इज होस्ट मेन, देखिए मेन नेशनल इवेंट फॉर द 6th इंटरनेशनल डे योगा, याद रखिएगा दोस्तों योगा जो 2015 से हो गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था योगा डे, जो हमेशा 21 जून को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 21 जून को हमेशा योगा डे मनाते हैं, और जो 6th इंटरनेशनल योगा होगा ये लद्दाख में होगा, याद रखिएगा लेह लद्दाख, सॉरी ले लद्दाख में, लेह में होगा, ठीक है, ये 6th एडिशन। देखिए फोन पे ट्राई किया ICICI से UPI ट्रांजेक्शन के लिए, तो इंपॉर्टेंट है फोन पे, फ्लिपकार्ट का ही। फगली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो रीजनल डांस होते हैं, लिटरेचर होता है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो फगली जो फेस्टिवल है, फगली फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश का है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने जॉय बंगला जो है नेशनल स्लोगन बांग्लादेश के लिए कर दिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉय बंगला, जॉय बंगला जो है ये नेशनल स्लोगन हो गया बांग्लादेश के लिए। महाराष्ट्र इंप्लीमेंट हैप्पी आवर फॉर द ऑटो रिक्शा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र जो है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जो रिक्शा वालों के लिए, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए 1 आवर का हैप्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन माउंटेनर भावना दहिया स्कल्स माउंट कोस्किजो 2228 मीटर, ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट माउंट पीक, ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट, ये पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट माउंट पीक कौन किसको है दोस्तों, ये 2228 मीटर है, और इसको जो है फतेह किया है दोस्तों, इसको स्केल आउट किया है ये माउंटेनर भावना दाहिया ने। फ्रेंड्स ये सेकेंड पार्ट है मार्च का, ऐसे ही देखिए हम वाला एनर करंट अफेयर चलाते हैं जो काफ़ी यूजफुल होता है, जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, इवन यूपीएससी में कई बार पूछता है, थीम पूछ लेता है, डे पूछ लेता है,
तो फ्रेंड्स ये सेकेंड पार्ट था। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल रहा है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अगेन आप लोग अपने घरों में रहें, अपनों के साथ स्वस्थ रहें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करें और खुश रहें और ऑनलाइन स्टडी करते रहें।